हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भिंडी की सूखी सब्जी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। यह सब्जी 5 मिनट में बनते हैं लगभग। पहले तेल गरम करके मैंने इसमें सरसों का फ़ौरन डाला है। अब इसमें मैं कटे हुए भिंडी को डाल दूँगी और इसमें लाल मिर्च और तेज पत्ते डाल दीजिए। आप पहले भी डाल सकते हैं, वरना जल जाएगा इसलिए मैं नहीं डालती। फिर आप इसमें नमक ऐड करें स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 1 टीस्पून डालती हूँ, ऐसे भी नवरात्रा का टाइम है तो वो मैं यही डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर डाला मैंने, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है मैंने। अब थोड़े से मैंने जीरे पाउडर डाले हैं, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ गोलकी पाउडर। आप इसे ढक के भी चला सकते हैं, 1-2 बार ढक दे। मेरी भिंडी बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं तो मैं इसे बिना ढके बना रही हूँ। फिर मैंने कटे हुए टमाटर डाले इसमें, 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। भिंडी लगभग 1/2 केजी है। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है पीली सरसों का पेस्ट। इसे मैं फ्रीजर में रख देती हूँ पीस के, 1 महीने तक भी ये खराब नहीं होते। आप हमेशा पेस्ट बना के रखें और फ्रीजर में रख दिया करें, और जब भी आपको ज़रूरत हो 1/2 घंटे पहले आप फ्रीजर से या 10-15 मिनट पहले निकाल लें। कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून मैंने डाला। अब इसे मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छे से धीरे धीरे पलट के भूनूंगी, और अगर मसाला चिपकने लगे तो आप पानी इसके इस तरह से छींटे डालिए। चाहे तो इसे 1-2 मिनट ढक भी सकते हैं, और जब अच्छी तरह से आपके ये मसाले लगभग तेल छोड़ने लगे, आप देख सकते हैं कढ़ाई के किनारे किनारे कैसे मसाले में तेल बाहर आ रहे हैं मसाले से, और ये मसाले हमारे लाल हो चुके हैं लगभग। जब तेल रिलीज होने लगे तब आप समझ ले कि मेरा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। फिर इसे आप गरम गरम सर्व करें, रोटी पराठे चावल हर चीज़ में ये अच्छे लगते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से टिप्स के साथ या और अच्छे से एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।